अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और इनमें साइक्लिक शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड का मतलब है कि इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होती है। जैसे कि हम एफ एस सी में भी पढ़ चुके हैं कि एस एन टू और ई टू रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में टेक प्लेस होती है। तो इसी तरह पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में भी होता है और इनमें पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जाती, मतलब कि ये आयन में कन्वर्ट नहीं होते और इनमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि इनमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इस पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है सच रिएक्शंस इन विच कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आर कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू और इनमें इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जाती और इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होती है, तो उसे हम बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो कंसर्टेड का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन मेकिंग टेक प्लेस इन वन स्टेप। तो साइक्लिक शिफ्ट का मतलब है कि नो इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब कि इनमें इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जाती, ये आयन में कन्वर्ट नहीं होते। तो नो इंटरमीडिएट स्टेज ओनली ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस। तो इनमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है और इनमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। तो उसके बाद नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एंड एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। और इनमें न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं पाए जाते और ये इनमें इनके ऊपर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के ऊपर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। और उसके बाद ये डिपेंड करते हैं, इनकी जो नेचर होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो डिपेंड करती है हीट के ऊपर और फोटोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर। तो उसके बाद पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के ऊपर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो सॉल्वेंट कोई भी है, बेंजीन है, इथर, कोई भी सॉल्वेंट होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के ऊपर। उसके बाद पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस के लिए, नंबर वन हीट, नंबर टू फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो फोटोकेमिकल भी एक हीट का अलग पार्ट है। तो इसका मतलब है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को करवाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है या फोटोकेमिकल हीट की ज़रूरत होती है। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड नेचर ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन डिपेंड ऑन हीट एंड फोटोकेमिकल। तो इसका मतलब है कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, मैकेनिज्म होता है और जो नेचर होती है प्रोडक्ट की पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट की जो नेचर होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हीट के ऊपर और फोटोकेमिकल जो एक अनदर पार्ट है हीट का, एक दूसरा जरिया हीट का। तो उसके बाद हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नंबर वन एग्जाम्पल को हम देखेंगे ईथीन की एग्जाम्पल और नंबर टू 1,3-butadiene की एग्जाम्पल। तो अब हम ईथेन की एग्जाम्पल ले, ईथीन की एग्जाम्पल को देखते हैं अकॉर्डिंग टू पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक अकॉर्डिंग, तो ये ईथीन है हमारे पास, इसका फार्मूला है H2C(CH2)। तो अब हमने देखना है कि इसमें डबल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ नोड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं। तो कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक और दो। दो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दो है। ये दो नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ गया और उसके बाद हमने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक डबल बॉन्ड है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो आ गए। उसके बाद हमने देखना है कि नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ नोड्स का हमारे पास फार्मूला है N-1। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उतने हमने ऑर्बिटल ड्रा करने हैं और उसके बाद उतने ही हम फंक्शंस ड्रा करेंगे। तो नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला हमारे पास N-1। तो सबसे पहले हम फंक्शन टू का नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं। तो N-1, तो N की जगह हमारे पास दो आ जाएगा, 2-1=1। तो एक हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स क्या आ जाएगा, एक। तो उसके बाद है
फंक्शन टू साइन टू का हम नंबर ऑफ नोड्स निकालेंगे, तो n माइनस वन एन की जगह हम 1 लिख देंगे और 1 माइनस वन क्या आ जाएगा 0, तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास साइड 1 का क्या आ गया 0। तो हमारे पास हमने अब दो ऑर्बिटल ड्रा किए हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने हमने ऑर्बिटल ड्रा करने हैं। दो फंक्शन थे हमारे पास, दोनों के लिए हमने दो दो ऑर्बिटल ड्रा किए ऑर्बिट। तो अब हमने ये वैल्यूज को देखना है, अगर हमारे पास ऑड वैल्यू होगी तो ये जो दोनों फंक्शंस होंगे सेम होंगे, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, तो अगर इवन वैल्यू होगी हमारे पास तो इधर नेगेटिव होगा और इधर भी इधर पॉजिटिव होगा। तो अब देखें हमारे पास फंक्शन वन है, साई वन है, तो इधर नंबर ऑफ नोड्स क्या हमारे पास 0 है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास ऑड है तो ये दोनों फंक्शन सेम होंगे, इधर भी पॉजिटिव आएगा और इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर भी नेगेटिव होगा और इधर भी नेगेटिव होगा। तो अब इधर नंबर ऑफ नोड्स 0 है तो इधर दोनों चार्जेस भी सेम है, सेम साइड पे सेम चार्जेस है और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और जबकि ये जो वैल्यू है साइड 2 की तो इधर इवन वैल्यू है 2 है, और इधर हमारे पास जो ये जो साइन होंगे ऑर्बिट के वो ऑपोजिट होंगे, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। तो आप देखें इधर नंबर ऑफ नोड्स 1 है और सेम साइड पे ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं तो इधर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इधर नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा 1 होगा। तो उसके बाद हमने इनको अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक देखेंगे। तो ये देखें जब हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये ग्राउंड स्टेट है हमारे पास, तो दो कार्बन थे, दो पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो एक ऑर्बिट बनेगा, कंप्लीट बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा कार्बन का और एक इधर से, तो वो जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड में चले जाएंगे नीचे वाले में। तो ये देखें ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास उस वक्त है कि जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं हीट की मौजूदगी में, अगर आप फोटोकेमिकल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगी एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो जब हम हीट की मौजूदगी में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट आएगी, तो इधर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास होमो होगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है वो हमारे पास होगा डोमो, डोमो का मतलब डो एस अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब हमारे पास ये हमारे पास डोमो होगा और एक्साइटेड स्टेट में ऐसा होगा कि ये जो ऑक्साइड का आ जाएगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी सिमेट्री होगी वो सेम रहेगी, रोटेशन सेम होगी इलेक्ट्रॉन की, इधर देखें जैसे ये है उसको हम सिमेट्री को चेंज नहीं करेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक्साइड करके ऊपर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा तो इधर ये होगा कि हमारे अब एक इलेक्ट्रॉन इधर और आ सकता है, अभी ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, तो हमारे पास ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यही होगा और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमारे पास यही होगा। और एक्साइटेड स्टेट हमारे पास उस वक्त आती है जब हम फोटोकेमिकल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, और ग्राउंड स्टेट हमारे पास उस वक्त आएगी जब हम हीट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये थी कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने ही हमने फंक्शन ड्रा करने हैं, उतने हमने ऑर्बिटल ड्रा करने हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हमने देखना है और उसके बाद नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, तो इसके मुताबिक हमने फिर ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनके ड्रा करने हैं। तो उसके बाद हम एग्जांपल को देखते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन की एग्जांपल को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है 1,3 ब्यूटाडाइन की, उसका फार्मूला हमारे पास H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हमने इसमें देखना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 4 है, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं 1 और 2, तो एक डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास इधर 2 डबल बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे 4, तो 4 हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके बाद जितने हमारे पास कार्बन एटम होंगे उतने हमने फंक्शन ड्रा करने हैं, उतने हमने ऑर्बिट ड्रा करने हैं। तो उसके बाद हम इनके नंबर ऑफ नोड्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला हमारे पास n-1 है,
तो ये हमने फंक्शन ड्रा किए होंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 है। तो नंबर ऑफ नोड्स इसके बाद हम निकालेंगे n माइनस 1, तो n माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 n की जगह 2 लगाएंगे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो फंक्शन 1 का साई 1 का नोड क्या होगा हमारे पास 0 होगा, साई 2 का नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे 1, साई 3 के नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे 2 और साई 4 के नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने होंगे 3। तो उसके बाद हमारे पास 4 कार्बन एटम थे तो उसके तो हम 4 ही ऑर्बिट ड्रा करने हैं, तो ये हमने चारों फंक्शंस के लिए 4 ऑर्बिट ड्रा कर लिए 4 4। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास फंक्शन की अगर वो 8 होगी तो इनके जो इधर साइन होंगे वो दोनों सेम होंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाले साइंस को देखने हैं, साइंस को देखेंगे। तो इधर हमारे पास साई 1 है तो इधर 1 हमारे पास जो वैल्यू वो 8 है, तो इसका मतलब और इसके बाद नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने हैं 0 है, तो इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है इधर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ये देखें हमने दोनों पॉजिटिव लगा दिए। तो अगर हम इधर माइनस माइनस का साइन लगा देते हैं तो इधर नोड बन जाएगा, इधर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस इधर नोड हमारे पास साई 1 के नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब इधर नंबर ऑफ नोड्स 0 हो गए, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तमाम ऑर्बिट के दरमियान। तो इसका मतलब है कि इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, इधर नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा 0 होगा और इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमारे पास साई 2, इधर नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने हैं 1 है, इसका मतलब है कि इधर 3 में 2 बॉन्ड बनेंगे और एक में नोड आएगा, एक में बॉन्ड नहीं बनेगा। इधर हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, तो अगर हम इधर नेगेटिव लगा देते हैं इधर हमारे पास नोड आ जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव आ गया। तो उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑर्बिट बच गए, तो अगर हम इधर नेगेटिव लगाते हैं तो इधर भी नेगेटिव लगाएंगे, तो क्योंकि अगर हम ये सेम साइड लगा देते हैं तो इसके तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स नहीं बनेगा और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इधर भी पॉजिटिव आएगा और इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास फंक्शन 3 है साई 3, तो इसके नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने हैं 2, तो इधर कितने नोड्स होंगे 2 नोड्स होंगे और एक बॉन्ड बनेगा। तो इधर हम अगर पॉजिटिव लगाते हैं और इधर नेगेटिव, तो अगर हम इधर नेगेटिव लगाएंगे तो इधर पॉजिटिव लगाएंगे तो इधर हमारे पास नंबर ऑफ नोड 1 आ गया और इधर पॉजिटिव लगाएंगे तो ये एक नोड आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम इधर पॉजिटिव लगाएंगे इधर नेगेटिव तो एक नोड हमारे पास ये आ जाएगा ऑपोजिट चार्जेस की वजह से। उसके बाद इधर अगर हम नेगेटिव लगाते हैं तो इधर भी नोड आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इधर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे पास 2 है, तो इधर हमने नेगेटिव लगाने पॉजिटिव लगाएंगे ताकि इधर नोड ना बने, तो इधर बॉन्ड बनेगा। उसके बाद साई 4 हमारे पास इसके नंबर ऑफ नोड्स की तादाद हमारे पास कितनी है 3 है, तो इधर हमने ये इधर तीनों नोड्स होंगे, इधर बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसका मतलब इधर अगर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा और इधर फिर नेगेटिव होगा, तो फिर हमारे पास तमाम के तमाम नोड्स बन जाएंगे। इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर हमारे पास सब के सब नोड्स बन जाएंगे 1, 2 और 3, हमारे पास 3 नोड्स आ गए। तो अब हम इनको देखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जुड़ेंगे तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट आएगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, हमारे पास 4 हैं, 2 इस ऑर्बिट में आ जाएंगे और 2 इसमें आ जाएंगे, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली फील्ड है और ये भी कम्प्लीटली फील्ड है। तो हमारे पास होमो ये होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होगा, और ये हमारे पास लूमो होगा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसके बाद देखेंगे कि अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं फोटो केमिकल की मौजूदगी में तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट टेक प्लेस होगी, एक्साइटेड स्टेट आएगी हमारे पास।
तो इधर से जो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर है ऑर्बिटर, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा ऑक्साइड का आ जाएगा, तो इधर ये हमारे पास अब घूमिए बन जाएगा क्योंकि इसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये होम होगा और इसमें अभी ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है क्योंकि इसमें एक अभी इलेक्ट्रॉन हो रहा आ सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हो रहा आएगा तो फिर ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो फिर ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो इसे हम लोमो भी हमारा यही होगा और हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर भी यही होगा और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर भी हमारा यही होगा। तो ये थे आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पैरासाइक्लिक रिएक्शंस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।